फ्रेंड्स, फरवरी का महीना शुरू हो गया है और हम अपने प्लांट्स की नए सिरे से देखभाल शुरू कर रहे हैं। इस समय हमारे सभी के मन में ये चीज़ आती है कि अभी इस समय प्लांट्स में कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए जो कि हमारे प्लांट के लिए तेज़ी से ग्रोथ लाएँ और उसमें फूल और फल भी अच्छी मात्रा में आएँ। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊँगी जो फर्टिलाइज़र सभी प्लांट्स के लिए यूज़फुल है और उसमें प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और उसमें फूल फल लाने के लिए ज़रूरी सारे पोषक तत्व मौजूद हैं। क्योंकि प्लांट्स अब डोरमेंसी से निकल के अपनी ग्रोथ शुरू करेंगे, यदि उन्हें सही समय पर हम सही पोषक तत्व दे देते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी और उनमें फूल आना भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो गर्मियों में अपनी फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि मोगरा प्लांट है, तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी हम उन्हें अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ करें जिससे प्लांट की ग्रोथ ना रुके और प्लांट में लगातार फूल आते रहें। इस फर्टिलाइज़र में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन है, प्लांट्स की ग्रोथ को अच्छा बनाएगा। इसके साथ ही इसमें पोटेशियम है जो कि फूल लाने में मदद करता है, प्लांट की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। बदलते मौसम में प्लांट में बीमारियां लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र देने होते हैं जिससे कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे और प्लांट पर आसानी से किसी भी तरह के कीड़ों का अटैक ना हो सके। इसके साथ ही इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स हैं जो कि प्लांट के लिए संपूर्ण विकास में मदद करेंगे और प्लांट अपनी ग्रोथ लगातार बनाए रखेगा। इस फर्टिलाइज़र से प्लांट की सॉइल भी उपजाऊ बनेगी, प्लांट का पीएच बैलेंस रहेगा, जिससे कि हम प्लांट में जो भी फर्टिलाइज़र डालेंगे वो प्लांट को अच्छी तरह से फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से इस फर्टिलाइज़र को बनाना है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप खाली जार ले लें, जार थोड़ा सा बढ़ा लें जिससे कि ये जो सारे सामान मैं इसमें डालूंगी वो अच्छी तरह से भीग जाएं। तो मैंने लिया है ये 2 मुट्ठी गोबर की खाद। गोबर की खाद सभी प्लांट्स के लिए यूज़फुल है, आप चाहे फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे, फलों वाले पौधे, सभी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पुराने गोबर की खाद होनी चाहिए और प्लांट्स के संपूर्ण विकास के लिए जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं वो इस गोबर की खाद में मौजूद होते हैं। इसमें नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इस समय सभी प्लांट्स के लिए इस गोबर की खाद की बहुत ज़रूरत है, तो आप 2 मुट्ठी गोबर का खाद इस जार में डाल दें। इसके बाद इसमें जो मैं दूसरी चीज़ लेने वाली हूँ वो है ये प्याज के छिलके। हमारे सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं और पोटेशियम से भरपूर हैं। यदि हम इस फर्टिलाइज़र में ये प्याज के छिलके ऐड करते हैं तो प्लांट को ज़रूरी पोटेशियम मिलता रहेगा। इसके साथ ही मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम भी प्लांट को उपलब्ध हो जाएंगे और प्लांट अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ को बनाए रखेगा। तो मैं 1 मुट्ठी प्याज के छिलके ले रही हूँ, इसे भी हमें इस जार में डाल देना है। इसके बाद जो तीसरी ज़रूरी चीज़ है वो है ये चाय पत्ती। यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लें आप, इसमें भी नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है और प्लांट की सॉइल को एसिडिक बनाने का काम करती है। तो मैंने 1 चम्मच ये चाय पत्ती ले ली है। हम चाय बनाने के बाद चाय पत्ती यूँ ही फेंक देते हैं, तो आप इस तरह से प्लांट के लिए यूज़ करें, प्लांट को इसका बहुत फ़ायदा होता है। इसके बाद मैं जो चौथे नंबर पर चीज़ लेने वाली हूँ वो है ये बोडैश लकड़ी की राख। पोटेशियम और कैल्शियम से भरपूर रहती है। प्लांट यदि आपका बहुत कमज़ोर है या उसमें बड्स गिरने की प्रॉब्लम है, क्योंकि कमज़ोर ब्रांच होती हैं तो वो फुल बड्स नहीं बना पाती हैं और बड्स पहले ही गिर जाती हैं, तो प्लांट को एक मजबूत ग्रोथ देने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है और पोटेशियम भी होता है, लेकिन इसका यूज़ करते समय ध्यान रखें आप ज़्यादा मात्रा यूज़ ना करें। सिर्फ मैं 1/2 चम्मच ये लकड़ी की राख ले रही हूँ। इसके साथ ही इसमें कुछ मात्रा में फॉस्फोरस, आयरन जैसे तत्व भी होते हैं जो प्लांट में विकास के लिए ज़रूरी है, तो मैंने ये 1/2 चम्मच लकड़ी की राख डाल दी है। लकड़ी की राख की ज़्यादा मात्रा प्लांट के सॉइल के पीएच को गड़बड़ कर सकती है, क्योंकि इसका नेचर एल्कलाइन होता है। इसलिए इसको बार बार रिपीट नहीं करना है, महीने में एक बार ही डालना है और इतनी ही मात्रा डालनी है। अब इसको हम अच्छी तरह से पानी से भर देंगे। पानी से भर के आपको इसे 2 दिन के लिए रखना होगा। 2 दिन बाद हम इसका यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मैंने यही फर्टिलाइज़र तैयार किया है, तो कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। इसको हमें छान लेना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र को मैं छान लेती हूँ। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसका 10 भाग आपको
सादा पानी लेना है। तो मैं डायरेक्ट इस पानी में ही इस फर्टिलाइज़र को छानने वाली हूँ। बिना डाइल्यूट करे आपको इस फर्टिलाइज़र को नहीं देना है। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है प्लांट्स में डालने के लिए। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से। इसको हमें अपने प्लांट की सॉइल में पॉट के साइज़ के हिसाब से डालना है। तो फ्रेंड्स, इस समय इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।